खबर समय तक। बड़बोले राज्य मंत्री पाटीदार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सौंपा ज्ञापन। खरगोन से विधायक राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार द्वारा खरगोन के एक सभा को संबोधित करते हुए मीडिया के मान सम्मान के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से जो टिप्पणियां की गई वह ना तो सिर्फ ठेस लगने वाली है बल्कि कटु निंदनीय है। पूरा का पूरा पत्रकार जगत अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, जिसके चलते प्रदेश भर में उसका विरोध हो रहा है। विरोध के चलते मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सलब भदौरिया के निर्देश पर जिला इकाई राजगढ़ के साथियों ने राजगढ़ के खिलचीपुर नाके पर मंत्री बालकृष्ण पाटीदार का पुतला दहन कर नारेबाजी करते हुए रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें मंत्री बालकृष्ण पाटीदार को तत्काल मंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश सचिव सत्यनारायण वैष्णव, सदस्यता अभियान समिति के महासचिव घनश्याम शर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश भंडारी, महासचिव नागेश जोशी, ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश नामदेव सहित अनेक पत्रकार साथी मौजूद थे। क्या कारण है कि मंत्री जी का पुतला जलाया गया? खरगोन के विधायक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने खरगोन के कार्यकर्ता सम्मेलन में पत्रकारों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हुए कहा था कि मेरे लिए तो माउथ मीडिया ही बहुत है और मैं माउथ मीडिया के जरिए ही अपना काम कर लूँगा। पत्रकारों को मैंने बिकते हुए देखा है, इसलिए उसके विरोध में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सलभ भदौरिया जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में 55 जिला इकाइयों में बालकृष्ण पाटीदार का पुतला।